हेलो स्टूडेंट, हमने आगे के लेक्चर में देखा फेब्रुआरी रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन कैसे हुआ और उसको होने का जो रीजन है वो हम पहले डिस्क्राइब करेंगे। तो आपने पढ़ा था आगे कि आफ्टर फेब्रुआरी अप्रैल थीसिस लिखी गई और इसी वजह से वर्कर ने मूवमेंट की कि भाई वर्कर की पार्टी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लीडर है उन लोगों की पार्टी नहीं चाहिए, हमें पार्टी चाहिए वर्करों की। इसी वजह से ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमिटी बनी गई जो फेब्रुआरी के बाद बनी, और जो सोल्जर कमिटेड वेर फॉर द आर्मी, जो सोल्जर थे उन लोगों ने भी उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और जो सोवियत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे कितने, टोटल 500, उसने रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के ऊपर फोकस किया वो 500 मेंबर ने, और प्रोविजनल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है उसके बारे में उसने डिटेल निकाली। और बाद में बोल्शेविक पार्टी ने अपना पावर गेन करना स्टार्ट किया, किसके अगेंस्ट, प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब धीरे धीरे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हो रही थी, क्यों, कंट्रोल वर्कर बाय अरेस्टिंग देयर लीडर, जो वर्कर है वो स्ट्राइक कर रहे थे उसके जो लीडर थे उसको क्या किया जाता था, अरेस्ट किया जाता था, इसी वजह से प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या हुई, अनपॉपुलर हुई। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1970 वेर स्टेनली सरप्राइज, जो बोल्शेविक ने डिसीजन लिए उससे प्रोविजनल गवर्नमेंट टोटली क्या हो गई, सरप्राइज हो गई। ये तो सिटीज में ऐसा होता था, कंट्री साइड में क्या हो रहा था, पीजेंट और सोशलिस्टिक रिवोल्यूशनरी जो लीडर थे उन लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के लिए डिमांड की कि लैंड है वो सबके बीच में क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और वो कब हुआ, जुलाई और सितंबर 1917 में, और यही सबसे बड़ा कारण बना अक्टूबर रिवोल्यूशन होने का, और उसको बोला जाता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके बीच में, प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक गवर्नमेंट के बीच में। अब सोचो जो एटीट्यूड था प्रोविजनल गवर्नमेंट का उससे लेनिन ने क्या किया, अपनी तरफ डाइवर्ट किया, और प्रोविजनल गवर्नमेंट से लोग डर रहे थे, क्यों डर रहे थे, बिकॉज ऑफ वो डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करना चाहती है, वैसा एक माहौल क्रिएट किया गया लेनिन के द्वारा, और इसी वजह से बोल्शेविक को सपोर्ट मिल गया, किसका, आर्मी का, और प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास सपोर्ट रहा नहीं आर्मी का, और इसी वजह से मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, किसके थ्रू, लेनिन के थ्रू, और उसके लीडर थे लियोन ट्रॉट्स्की, उसने ऑर्गेनाइज बनाई और अपने जो डेट है उसको अपराइजिंग किया कि कब हम कैप्चर करें। तो सबसे पहले जो डेट डिसाइड की गई वो कौन सी थी, 24 अक्टूबर को, और मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमिटी सीज गवर्नमेंट ऑफिसर एंड अरेस्टेड मिनिस्टर, और उसके लिए उन लोगों ने एक शिप भेजा और उस शिप में मिलिट्री को भेजा दिया, शिप अरोरा। इस शिप में जो मिलिट्री पॉइंट थे उसके थ्रू पूरी सिटी को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया, और उसकी वजह से ट्रबल हुआ, किसको, प्राइम मिनिस्टर कैरेंस्की को, क्योंकि ट्रूप ने उसको क्या किया, घेर लिया चारों तरफ से, और मिलिट्री मैन लॉयल टू गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर, बोल्शेविक न्यूज़पेपर को सीज किया गया, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस वेर टेकन ओवर बाय द प्रो गवर्नमेंट ट्रूप, प्रो गवर्नमेंट मीन्स जो पहले थी उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी उसके पास से वो ले लिया गया, और फाइनली बोल्शेविक को पूरा कंट्रोल मिल गया, कहां का, मॉस्को और पेट्रोग्राड का। तो इनसे क्या पता चलता है हमें, सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रूल कर रहे थे जार निकोलस टू, फेब्रुआरी रिवॉल्यूशन होने की वजह से मोनार्क चले गए और एक न्यू गवर्नमेंट बनी, प्रोविजनल गवर्नमेंट। उसके बाद अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ,
प्रोविजनल गवर्नमेंट अब निकल गई और उसकी जगह पे कौन सी गवर्नमेंट बनी, बोल्शेविक पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। लोगों को क्या बेनिफिट मिला वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? जो लेनिन ने बोला था कि हम लोग पावर में आएंगे तो आप लोगों को अप्रैल थीसिस के थ्रू जो मैंने व्यू, जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखे गए उसको क्या करूंगा, फुलफिल करूंगा। और उसने ऐसा ही किया, बैंक को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। नवंबर 1917 को ऑनरशिप ऑफ मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट को मिल गई। जो पिजन को लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई किसके पास से, नोबिलिटी के पास से। लार्ज हाउस वेयर पेरेंट अकॉर्डिंग टू द सीज ऑफ फैमिली और यूज ऑफ ओल्ड टाइटल एज एरिस्टोक्रेसी वॉज बैन। जो पहले एरिस्टोक्रेसी का जो टाइटल यूज करते थे लोग उसको बैन करवा दिया और जो उसकी जो पार्टी थी उसका रीनेम कर दिया और क्या कर दिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया। तो इतने सारे अच्छे काम किए लेनिन ने। बट आप सोचोगे तो अब तो रशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ना सर, बट प्रॉब्लम हुआ। और लेनिन ने पहले तो बोल दिया कि मैं क्या करूंगा, आप लोगों के बीच में, फार्मर के बीच में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। बट बाद में उसने और जो डिसीजन था उसको क्या कर दिया, वापस ले लिया। और इसी वजह से लोगों को वो अच्छा नहीं लगा, फार्मर को, जो फार्मर का जो सपोर्ट था वो कैसा हो गया, थोड़ा कम हो गया। और दूसरा, उसने सीक्रेट पुलिस बनाई थी कि जो भी बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट कोई भी बात बोले या क्रिटिसाइज करे बोल्शेविक पार्टी को तो उसको क्या करते थे, पनिश करते थे। और वो सिविल ड्रेस में घूमते थे सीक्रेट पुलिस वाले। और उसको बोला गया चेका फर्स्ट ओजीपीयू एनकेवीडी, वैसे नाम की सीक्रेट पुलिस बनाई गई थी। तो अनपॉपुलैरिटी क्रिएट हुई, तो अनपॉपुलैरिटी जो क्रिएट हुई सीक्रेट पुलिस और लैंड जो री डिस्ट्रीब्यूट की थी उसको वापस ले लिया इसी वजह से, तो बोल्शेविक पार्टी के सामने एक दूसरी पार्टी क्रिएट हुई, नॉन बोल्शेविक पार्टी। और कंट्री के अंदर ये जो हो रहा था उसको क्या बोला गया, सिविल वॉर। ऐसे भी कंट्री की ही कम्युनिटी आपस में जब लड़ने लगे तब उसको बोला जाता है सिविल वॉर। और ये सिविल वॉर जो स्टार्ट हुआ उसमें दो, एक बोल्शेविक एक नॉन बोल्शेविक पार्ट। जो बोल्शेविक पार्ट है उसको रेड, जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो नॉन बोल्शेविक है उसको ग्रीन, और प्रो जेरिस को भी व्हाइट बोला गया। जो ये नॉन बोल्शेविक पार्टी थी उसको कंट्रोल कौन कर रहा था, फ्रेंच, अमेरिका और ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे। बट जो ये नॉन बोल्शेविक पार्टी थी वो अपना पॉपुलर गेन कर पाई नहीं। बट बोल्शेविक ने पॉपुलैरिटी गेन की, कैसे की, लेनिन ने फिर से जो लैंड थी उसको क्या करवा दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया। फिर से फार्मर क्या हुए, उसके सपोर्ट में आ गए, तो उसका तो काम हो गया। तो सिविल वॉर में सिचुएशन क्या हुई, वाइट एट्रोसिटीज ऑन पिजन मेड देम अनपॉपुलर। जो पिजन की डिमांड थी उसको उन लोगों ने सुना नहीं, इसी वजह से वो अनपॉपुलर हुए। बोल्शेविक ने सपोर्ट लिया किसके पास से, नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जेडिस, जो मुस्लिम के ऐसे लोग के जो लोग बोल्शेविक को सपोर्ट करते हैं उसको जेडिस्ट बोलते हैं। तो वही सपोर्ट को लेके सिविल वॉर में बोल्शेविक पार्टी ने फिर से रीगेन किया, फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया। तो आप सोचो धीरे धीरे बोल्शेविक पार्टी ने फिर से अपना जो पूरा कंट्रोल था वो रशिया के ऊपर ले लिया। अब नॉन रशियन नेशनलिस्ट वेर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन यूएसएसआर। जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उन लोगों को बोल्शेविक पार्टी ने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन यूएसएसआर में दिया जगह। और स्टिल दे वेर सम अनपॉपुलर पॉलिसी ऑफ बोल्शेविक, तो भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी थी कि जो अनपॉपुलर थी, जैसे कि हार्श डिसकरेजमेंट ऑफ नोमेडिज्म, जो एक दूसरी से दूसरी जगह पे जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे,
उन लोगों को बहुत ही परेशान कर रही थी, ये जो उसने फिलोसॉफी बनाई थी रिवॉल्यूशन की। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पूरी जो रशियन सोसाइटी है वो सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे क्रिएट हुई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे कंस्ट्रक्ट हुई।